पब्लिक टीवी आपकी आवाज। हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद की प्रशासनिक कमेटी सदस्य के चुनाव को लेकर राजनीति तेज हो गई है। चुनाव मैदान में प्रत्याशी उतारने वाली संस्थाओं में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है और मुद्दा बनी है MSME की भुगतान सीमा। मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के महासचिव और प्रत्याशी अवधेश अग्रवाल ने लघु उद्योग भारती पर सवाल उठाया तो लघु उद्योग भारती के प्रदेश उपाध्यक्ष अजय गुप्ता जिम्मी ने करारा जवाब दिया है। निर्यातकों के वोट हासिल करने की जरूरत में कौन भारी पड़ेगा ये तो भविष्य तय करेगा। अवधेश अग्रवाल ने पत्रकारों को जारी बयान में कहा कि भुगतान की समय सीमा बढ़ाने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिले थे और उम्मीद है कि 31 मार्च से पहले राहत मिल जाएगी। उन्होंने सवाल उठाया कि लघु उद्योग भारती की मुरादाबाद और राष्ट्रीय इकाई ने MSME की भुगतान सीमा को लेकर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। उन्होंने कहा कि लघु उद्योग भारती को रुख स्पष्ट करना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि लघु उद्योग भारती एक भारतीय संगठन है जिसकी शाखा मुरादाबाद में भी है और ये गवर्नमेंट की एक संस्था है। लघु उद्योग भारती मुरादाबाद और इनकी राष्ट्रीय संगठन ने अभी तक अपना रोल क्लियर नहीं किया है कि ये निर्यातकों के साथ हैं, निर्यातकों के अगेंस्ट हैं, ये चाहते हैं MSME में ये बाध्यता निर्यातकों के लिए ख़त्म की जाए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि लघु उद्योग भारती को अपना रोल स्पष्ट करना चाहिए कि वो किसके साथ है, क्योंकि जब तक स्पष्ट नहीं करेंगे तो पता नहीं लगेगा। सारे भारत के निर्यातक इसके अगेंस्ट हैं। लघु उद्योग भारती की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट इस प्रकार का नहीं आया है कि साहब हम इसके अगेंस्ट हैं या हम नहीं चाहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि वो भी लोग मुखर रूप से इसमें हमारे साथ आएँ और अपना स्टैंड स्पष्ट करें। जानकार मानते हैं कि ये सब ECX चुनाव में निर्यातकों का समर्थन हासिल करने की राजनीति से अधिक कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ लघु उद्योग भारती के प्रदेश उपाध्यक्ष अजय गुप्ता जिम्मी ने जवाब देते हुए कहा कि संस्था की राष्ट्रीय कमेटी पहले ही इस मुद्दे को केंद्रीय वित्त मंत्री के सामने रख चुकी है और समय सीमा को समाप्त करने की मांग भी की है। उन्होंने कहा कि निर्यातकों की समस्याओं के लिए संस्था लगातार प्रयासरत है और जब भी जरूरत पड़ी है संस्था ने हर संभव साथ दिया है। उन्होंने कहा कि शासनिक प्रशासनिक औद्योगिक और सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने MSME भुगतान सीमा के मुद्दे पर समाचार पत्रों में छपी खबरों की कटिंग भी जारी की है। उन्होंने कहा है कि हमारी कार्यशैली से वोटों की राजनीति करने वालों पर सवाल या निशान लग रहे हैं, इसलिए वो अनर्गल बातें कर रहे हैं। तो जिसने बाइट दी है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से जानता है कि लघु उद्योग भारती क्या कर सकती है, और जब उन्होंने अपने मुंह से ही कह दिया कि ये काम सिर्फ लघु उद्योग भारती करवा सकती है, ये 43B को हम आज नहीं, जिस दिन ये लागू हुआ था उसी दिन हमने अपने ऑफिस को लिख दिया था। हमारी संस्था कोई लोकल लेवल की संस्था नहीं है, एक नेशनल लेवल की संस्था है। हमें प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ते हैं, हम प्रोटोकॉल के थ्रू जाते हैं। हमारे प्रोटोकॉल ये है कि हम यहाँ से अपनी चिट्ठी स्टेट को भेजते हैं, स्टेट जो है सेंट्रल को भेजता है, सेंट्रल जो है मिनिस्ट्री से संपर्क करके उसको आगे बढ़ाता है। इसकी प्रक्रिया जारी है, हम अभी आराम से नहीं बैठे हैं। हमारी हर वक्त यही कोशिश है 31 मार्च से पहले कि हम कुछ ना कुछ करवा दें। ये लॉ वापस तो नहीं होएगा, लेकिन इतना जरूर है कि एक साल के लिए डिले करवाने की हमारी कोशिश जारी रहेगी। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।